सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे बच्चों पीएच मान, पीएच वैल्यू के पिछले रेलवे के 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। यदि ये टॉपिक आपका कवर है तो आज की क्लास में आपके नए नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करने को मिलेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी क्लास से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीएचएस के लिए थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा कवर कराता हूं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट देखिएगा, जो पीएचएस स्केल होता है बच्चों उसमें डिजिट कहां से कहां तक की होती है, 0 से लेकर कहां तक होती है, 14 तक होती है। क्लियर है जी? 0 से 14 तक होती है। ये जो आपके 0 से लेकर 7 तक, 7 से पहले पहले क्या होता है बच्चों, ये होते हैं आपके एसिड, इसको बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्ल, अम्ल भी बोल सकते हैं, अम्लीय बोल सकते हैं। इसके बाद आपका 7 के बाद 14 तक क्या होता है बच्चों, एल्काइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षारीय। और जो 7 पे होती है वो क्या होता है बच्चों, 7 पे होते हैं उदासीन। क्या बोलता जाता है बच्चों? उदासीन मतलब नेचर। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना चाहिए, डिजिट पूछी जाती है डायरेक्ट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की? एसपी, नाम याद रखना, एसपी सोरेन्स ने, CSORENSEN। क्लियर है जी? आविष्कार किसने किया था? इसने किया था। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से ही मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। जो आपकी ये टेबल है ये बाद में ट्रिकी अप्रोच के साथ बाद में आपको याद कराऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अम्लीय अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान खालिस्तान होता है। बच्चों थोड़ा मेरे मुंह में थोड़ा छाले से पड़े हुए हैं, थोड़ा इस वजह थोड़ा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है या 1 होता है, 7 होता है, 0 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक अम्लीय का 0 होगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होता है। नाम क्या है पीएच इसके लिए खोज किसने की थी बच्चों? सोरेनसेन ने। किसने की थी? सोरेनसेन ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी। पीएच की सिविलियन में बच्चों इन्होंने पीएच मान 7 से कम होने वाले को अम्लीय, पीएच मान 7 से अधिक होने वाले को क्षारीय बताया गया है। क्लियर है? जो मैं आपको स्केल में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अम्लीय बताना है। किसमें बताना है बच्चों? पीएच मान 0 वाला घोल, पीएच मान 6 वाला घोल, पीएच मान 1 वाला घोल, या फिर आपका पीएच मान 7 वाला घोल, इनमें सबसे अम्लीय बताना है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया है अम्लीय आप कैसे देखोगे बच्चों, देखिएगा इसके देखते हैं। अम्लीय की तरह अम्लीय किस साइड है बच्चों आपका? एसिड वाला, ये रहा इस साइड 0 वाला, सबसे ज़्यादा अम्लीय ऑप्शन देखते हैं हम, पीएच मान 0 वाला घोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अम्लीय एक बार और रिवाइज कराता हूँ, 0 से 7 से नीचे आपके अम्लीय होते हैं, 14 तक आपके क्षारीय होते हैं, और उदासीन होता है आपका 7 पर। सर्वाधिक अम्लीय 0, सर्वाधिक क्षारीय आपका 14 पर, और 7 पर आपका उदासीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, जब पीएच मान आपका 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? ओएच माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 विलयन एक्स वाई जेड के पीएच मान क्रम से 2, 11 व 7 है, इन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई जेड, ऐसे ही होगा आपका। क्योंकि बच्चों पीएच मान 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 से 14 तक क्षारीय होता है, 7 पर आपका उदासीन होता है। ये हो जाएगा आपका एक्स जेड और आपका फिर वाई। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? नींबू का रस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2.2। दो रुपये के दो नींबू लाओ और 2 नींबू लेकर आओ। सब कुछ ट्रिक से कवर कराऊंगा मैं आपको ऐसे ही इनके सबके मान। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्य सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल
इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है बच्चों निष्क्रिय विलयन का पीएच मान? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होता है जी। क्या होता है? 7। 0 से 14 के तक के बीच की डिजिट होती है। अम्लीय विलयनों का मान क्या होता है बच्चों? 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयनों का मान क्या होता है? पीएच मान 7 से अधिक होते हैं। 7 पर आपका उदासीन या निष्क्रिय विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, पीएच मान 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका भी आपको सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो एच प्लस आयन की सांद्रता बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है, जब विलयन का पीएच मान 3 से बढ़कर 6 तक परिवर्तित होता है तो क्या होता है बच्चों? 100 गुना घट जाती है, 100 गुना नहीं 1000 गुना कम हो जाएगी। क्लियर है जी सांद्रता इसकी। क्वेश्चन नंबर 11, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1×10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है? तो कितनी होगी बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पीएच मान 5 गुना 1 = 5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, इसे तो इसे क्या माना जाएगा ये आपको बताना है। इसे माना जाएगा बच्चों एसिड तेजाब, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नींबू का 2.2 से 2.4 होता है, सिरके का भी 2.4 से 3.4 तक होता है, शराब का 2.8, दो पैक में 8 घंटे नशा होता है ऐसे याद करना, बियर का 4 होता है पूरा, मानव मूत्र का 4.8 होता है, 4 से 8 बार बाथरूम करने जाता है एक व्यक्ति, मानव लार होती है जो उसका 6.5 होता है, रक्त का 7.3 होता है बच्चों, दूध का 6.4 होता है, ज़्यादा दूध पियोगे छक्के चौके मारोगे क्रिकेट खेलते हुए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह खाली स्थान, का लवण होगा वो कैसा होगा बच्चों? सशक्त एसिड और कमजोर बेस वाला होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उदासीन विलयन का पीएच मान खालिस्तान होता है, उदासीन का कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह खालिस्तान का लवण है, कैसा है बच्चों? सशक्त एसिड और कमजोर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उदासीन विलयन का पीएच मान खालिस्तान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान बताना है कैसा होता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होगा, ये आपको पता ही चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ है? ये फुल फॉर्म पूछी जाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोटेंच। क्या होता है बच्चों? पोटेंच, जिसका अर्थ है, जिसका बच्चों जर्मन में अर्थ होता है शक्ति या पावर। क्लियर है जी। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच स्केल की। क्वेश्चन नंबर 19, किसी विलयन का पीएच मान उसकी खालिस्तान सांद्रता पर निर्भर करता है, कैसी सांद्रता पर निर्भर करता है? किसी विलयन का पीएच मान उसकी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही। सूज जेल का पीएच मान 7.5 होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि सिरके का 2.2 ठीक है, दूध का 6.6 छक्के मारेगा, ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर, सूज जेल का कितना होता है? 7.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा, किसका बच्चों? नींबू के रस का, सूज जेल का, रक्त का या डिटर्जेंट का? अब देखते हैं नींबू के रस का। राइट आंसर वैसे इसका होने वाला ऑप्शन नंबर ए, नींबू के रस। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है बच्चों? मैं आपको बता देता हूँ, 2.2। शुद्ध जल का कितना होता है बच्चों? 7। रक्त का क्या होता है? 7.4। क्लियर है। सिरके का 3 होता है लगभग, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो वह खालिस्तान का लवण है, कैसा लवण है ये बताना है। राइट आंसर होगा दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार। क्वेश्चन नंबर 23,
यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होगा। नमक की बात की है बच्चों, यदि किसी नमक का पीएच मान कितना, तो वो क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। क्वेश्चन नंबर 24, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 25, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ अम्ल। क्या करता है जी, दुर्लभ अम्ल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 27, एक एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान होने की संभावना है कितना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच मान स्तर कितना होने की संभावना होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका। क्वेश्चन नंबर 30, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 31, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो वह खालिस्तान हो जाता है कैसे रंग का। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच के फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इवोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लौंग। क्वेश्चन नंबर 35, मिथाइल ऑरेंज खालिस्तान होता है कैसा होता है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा आपका, मिथाइल ऑरेंज पूछा है कैसा आपका होता है, अम्लीय माध्यम में, गुलाबी क्षारीय माध्यम में, इनमें से मतलब आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 36, जब लिटमस विलयन ने तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब तो उसका रंग होता है कैसा होता है बच्चों। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, बी, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 37, जिस पदार्थों की घन अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्राण, आग फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री सूचक। क्वेश्चन नंबर 38, लिटमस विलयन खालिस्तान से निष्कासित किया जाता है, किससे किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे खालिस्तान से निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, कार्डिया लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 40, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग खालिस्तान होता है कैसा होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि मर्दा को मुर्दू अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो मिट्टी में हाइड्रेजिया फूल के फूल खालिस्तान के होंगे, कैसे होंगे। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, नीले रंग के। क्वेश्चन नंबर 42, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, लाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43, जलीय विलयन में किसी अम्लीय क्षार में क्या परिवर्तित होता है बच्चों। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने में से पर सूखे लीने लिटमस पेपर में रंग पर क्या असर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका रंग नहीं बदलेगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्षार का रंग कैसा होता है। क्षार का रंग होता है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फिनाल फेथलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।